एकादश के बच्चों का बैंकिंग के आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे मुद्रामान के भेद, इनके काइंड्स ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स। देखिए, अलग अलग देश में मुद्रामान की अलग अलग प्रणालियाँ अपनाई गई। इसके प्रमुख चार वर्ग माने जाते हैं। एक तो वस्तुमान, यानी कि जब वस्तुओं के तौर पर मुद्रा के तौर पर वस्तुएँ स्वीकार की जाती हैं। दूसरा आता है धातुमान। यहाँ पर भी धातुमान में एक धातुमान है और द्विधातुमान है, और एक धातुमान में भी स्वर्णमान या रजतमान। फिर धातुमान के बाद आता है पत्र मुद्रामान, जहाँ पे पत्र मुद्रा चलन में आती है, कागज़ के नोट। और इसके बाद में जब हम मुद्रा के बाह्य मूल्य पर विचार करते हैं तो विनिमय मान आता है, और इसमें स्टर्लिंग विनिमय मान है और डॉलर विनिमय मान है। तो हम भारी भारी इसे जानते हैं इन्हें। सबसे पहले हम विचार करेंगे वस्तुमान के। यह मुद्रामान का प्राचीनतम रूप। जब किसी देश में एक या अधिक वस्तुएं मुद्रा के रूप में कार्य करती हैं तो हम उसे वस्तुमान कहते हैं। यूँ भी कह सकते हैं कि जब वस्तुमान की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को वस्तु में ही मापते हैं, यानी कि वस्तु के मूल्यांकन का जो कार्य है वो वस्तुओं में ही होता है। तो इस प्रकार जो मान यानी जो माप होता है वो हम वस्तुओं की वस्तुओं में ही करते हैं। तो विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक का कार्य, जो मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं, मूल्य के मापक का कार्य, इसमें से ये वस्तुएं ही करती हैं। तो इस प्रणाली में क्या होता है, वस्तु विनिमय व्यवस्था चल रही होती है। तो गेहूँ, चावल, बकरी, सीप आदि अनेक वस्तुएं मुद्रा के रूप में कार्य करती रही हैं, किंतु विनिमय व्यवस्था की अनेक गंभीर कठिनाइयों के कारण वस्तुमान को छोड़ना पड़ा और अब किसी भी राष्ट्र में वस्तुमान अस्तित्व में है ही नहीं। तो उसके बाद में आया क्या, धातुमान। सोने चांदी के सिक्के, मोहरें जिन्हें हम बोलते थे, वो चलन में आए। तो ज़रा ध्यान से सुनते जाइए और समझने की कोशिश करते जाइए। देखिए, धातुमान क्या है, जब देश में धातु से बनी मुद्रा प्रधान मुद्रा के रूप में प्रचलन में हो, ठीक है। और हम पाएंगे कि ऐसी मुद्रा को ही हम धातुमान बोलते हैं। दूसरे शब्दों में धातुमान के अंतर्गत किसी धातु के बने सिक्के विनिमय के माध्यम या मूल्य के मापक के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, मुद्रा के प्रमुख दो कार्य हैं, विनिमय का माध्यम यानी कि जिसके माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान, लेन देन, क्रय विक्रय संभव होता हो, और दूसरा जिनमें वस्तुओं के मूल्य को मापा जाता हो, मूल्य के मापक। तो धातुमान दो तरह का होता है, धातुमान एक धातुमान या द्विधातुमान। एक धातुमान वो होता है जिसे मोनोमेटलिज्म कहते हैं, जब देश में किसी एक धातु से बने सिक्के ही प्रमाणिक सिक्का या प्रमाणिक मुद्रा कहलाते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम एक धातुमान बोलते हैं। यानी फिर से अगर रिपीट करें, किसी एक धातु से बने सिक्के ही प्रमाणिक मुद्रा होते हैं, ऐसी व्यवस्था एक धातुमान कहलाती है। एक धातुमान दो प्रकार के होते हैं, या तो स्वर्णमान या रजतमान। अब स्वर्णमान और रजतमान नाम से ही पता चलता है, जब सोने के सिक्के प्रचलन में हो प्रमाणिक मुद्रा के तौर पे तो उसे स्वर्णमान यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, और जब रजत का मतलब होता है चांदी, तो जब चांदी के सिक्के प्रचलन में होते हैं तो हम उसको सिल्वर स्टैंडर्ड बोलते हैं या रजतमान बोलते हैं। द्विधातुमान की अगर हम बात करें, इस मान के अंतर्गत दो धातुओं, ज़्यादातर ये सोना और चांदी होगी, इनके सिक्के प्रमाणिक मुद्रा के रूप में प्रचलन में होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को मिला के एक सिक्का बनाया जाएगा, सोने के सिक्के अलग होंगे, चांदी के सिक्के अलग होंगे, और दोनों प्रमाणिक मुद्रा के तौर पे स्वीकृत होंगे या प्रचलन में होंगे, ठीक। द्विधातुमान पांच प्रकार का होता है, शुद्ध द्विधातुमान, पंग द्विधातुमान, समांतर द्विधातुमान, मिश्रित द्विधातुमान, नव द्विधातुमान। ये सब हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। अभी फ़िलहाल हम इतना जान लें कि धातुमान दो तरह का था, एक धातुमान और द्विधातुमान। एक धातुमान में किसी एक धातु के सिक्के प्रचलन में होते हैं, उसमें भी दो कैटेगरी थी, एक तो स्वर्णमान की और दूसरा रजतमान की। द्विधातुमान में सोना और चांदी प्रमुखता किन्हीं भी दो महत्वपूर्ण या महंगी धातुओं के सिक्के प्रमाणिक मुद्रा के तौर पर प्रचलन में होते हैं, और इन्हें पाँच प्रकार का द्विधातुमान देखा जाता है व्यवस्थाओं में, अर्थव्यवस्थाओं में। तो वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं, हम उनकी बात करते हैं। अभी तक हमने जो जाना वो ये जाना कि द्विधातुमान क्या होता है, यानी कि धातुमान जाना। अब हम पत्र मुद्रामान के बारे में भी संक्षेप में पहले जान लें कुछ, और फिर हम बारी बारी से विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। पत्र मुद्रामान के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा
निर्मित किए गए कागज के नोट ही प्रधान मुद्रा होते हैं। ये नोट अजीमित विधिग्राह होते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि कोई भी व्यक्ति विधिग्राह है, मतलब कानून के द्वारा इन्हें ग्रहण करने के लिए किसी भी मूल्य तक बाध्य है कानूनन। अगर आप किसी भी व्यक्ति को नोट में भुगतान करना चाहें, चाहे वो 10 का नोट हो, 5 का नोट हो, 50 का, 500 का, 2000 का, तो आप उसको जितनी भी रकम देना चाहें, ही और शी कैन नॉट डिनाई इट, कि वो मना नहीं कर सकता कि वो नहीं लेगा। विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मापक के रूप में भी ये पत्र मुद्रा काम करती है। छोटे छोटे भुगतानों को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ धातु के सिक्के भी प्रचलन में होते हैं, जैसे भारत में चल रहे हैं। तो वर्तमान में भारत में कौन सा मान लागू है, कोई बता सकता है? जी हाँ, पत्र मुद्रा मान ही देश में लागू है, कागज़ के नोट प्रधान मुद्रा हैं। हाँ, छोटे छोटे भुगतानों के लिए सिक्के भी प्रचलन में चल रहे हैं। विनिमय मान क्या होता है? इस मान के अंतर्गत एक देश की मुद्रा का विनिमय किसी अन्य देश की मुद्रा से एक निश्चित दर पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में, विनिमय मान से एक देश की मुद्रा का मूल्य किसी अन्य देश की मुद्रा में आंका जाता है। ऐसा मुद्रा मान उस देश में प्रचलित होता है जो किसी देश के अधीन होता है। जैसे भारत था, भारत की स्थिति ये थी कि भारत एक लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार का के अधीन रहा। तो हमारे देश में दो प्रकार का विनिमय मान प्रचलित रहा। पहला तो स्टर्लिंग विनिमय मान। स्टर्लिंग विनिमय मान क्या था? जब किसी देश की मुद्रा का संबंध इंग्लैंड की मुद्रा स्टर्लिंग से कर दिया जाता है। इंग्लैंड की मुद्रा कौन सी है? स्टर्लिंग। तो हम उस देश की मुद्रा, यानी कि भारत की मुद्रा, चूँकि स्टर्लिंग से संबंधित थी, तो इसे स्टर्लिंग विनिमय मान कहा गया था। इस व्यवस्था में देश की प्रमाणिक मुद्रा स्टर्लिंग में परिवर्तनीय होती है, यानी कि भारतीय रुपये को जब उसका मूल्यांकन किया जाता था कि एक स्टर्लिंग बराबर कितने रुपये, तो इसका मतलब है कि हम अपने रुपये को, या एक रुपये बराबर कितने स्टर्लिंग, तो स्टर्लिंग में हम अपने रुपये को कभी भी कन्वर्ट करा सकते थे। ठीक है, वहाँ की सरकार हर समय स्टर्लिंग का क्रय विक्रय करने के लिए तैयार रहती है। कहाँ की? उस देश की, जैसे कि भारत। ठीक है, भारत में दरअसल 1931 से 1946 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, तब तक यही मुद्रा मान लागू रहा। विनिमय दर ये थी कि एक रुपया बराबर एक शिलिंग 6 पेंस। ठीक है, ये शिलिंग और पेंस चलते हैं स्टर्लिंग के अंतर्गत। फिर बाद में डॉलर विनिमय मान आया। किसी देश की मुद्रा का संबंध जब संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा डॉलर से जोड़ दिया जाता है, यह संबंध जोड़ दिया जाने से तात्पर्य होता है जब किसी भी देश की मुद्रा का मूल्यांकन संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉलर से किया जाने लगे, उनमें किया जाने लगे, तो इसे डॉलर विनिमय मान बोलेंगे। तो आपने जिस चीज़ को अभी बहुत संक्षेप में जाना, आपने अभी क्या जाना? मुद्रा मान के भेद कौन कौन से हैं, वस्तुमान, फिर धातुमान, धातुमान में भी एक धातुमान, द्विधातुमान, फिर पत्र मुद्रा मान और विनिमय मान। विनिमय मान में दो प्रकार, स्टर्लिंग विनिमय मान और डॉलर विनिमय मान। इन्हीं को विस्तार से हम आगे जानेंगे। एक धातुमान क्या है, इसे हम आज पढ़ने वाले हैं। इसको मोनो मेटलिज्म बोलते हैं। मोनो का तात्पर्य होता है अकेला, एक से। ठीक है, अतः एक धातुमान एक ऐसा मुद्रा मान है जिसमें केवल एक ही धातु को मूल्यवान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यूं कह सकते हैं कि जब किसी देश में केवल एक ही धातु के सिक्के प्रमाणिक मुद्रा के रूप में प्रचलन में होते हैं, तो उसे एक धातुमान बोलते हैं। ये अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो प्रमाणिक मुद्रा किसी भी धातु की बनी हो सकती है, किंतु व्यवहार में या सोने या चांदी की, रजत माने चांदी की ही एक धातु की बनी होती है। इसकी विशेषताएं अगर हम बोलें तो प्रधान मुद्रा ये होगी। मुद्रा सोना और चांदी में किसी भी एक धातु की बनी हो सकती है। प्रमाणिक मुद्रा, सोना और चांदी के सिक्के प्रमाणिक मुद्रा होते हैं। असीमित विधिग्राहता, मतलब देश की प्रधान मुद्रा अनलिमिटेड लीगल टेंडर के साथ होगी, यानी कि इस मुद्रा में किसी भी कीमत का भुगतान किया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति उस कीमत को लेने से मना नहीं कर सकता। स्वतंत्र ढलाई का तात्पर्य यह होता है कि कोई भी व्यक्ति उतना सोना या चांदी ले जा सकता है, और सरकार की जो टकसालें हैं जहाँ पर ये इनके सिक्कों की ढलाई की जाती है, वहाँ पर सोना चांदी देकर के उन्हें सिक्कों में कन्वर्ट करा सकता है। ठीक है, इसके लिए कहीं कहीं कुछ शुल्क लगता है, कहीं कहीं ये निःशुल्क होता है। फिलहाल उसे भी हम आगे पढ़ेंगे। सहायक और सांकेतिक सिक्के क्या होते हैं?
सहायक या सांकेतिक सिक्के जब छोटे छोटे भुगतानों के लिए हल्की तथा सस्ती धातुओं के सांकेतिक सिक्के चलाए जाते हैं, जैसे वर्तमान में भारत में चलते हैं 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का सिक्का, ये अपने देश में सांकेतिक सिक्के हैं। मगर ध्यान से सुनिएगा, इनकी सीमित विधिग्राह्यता होती है, अर्थात अगर आप सिक्कों में भुगतान करना चाहते हैं तो उसकी एक लिमिट है कि कितने रुपये आप सिक्कों में दे सकते हैं और व्यक्ति लेने के लिए बाध्य होगा, उसके बाद में वह लेने से मना कर सकता है। ठीक है, तो परिवर्तनीयता की अगर हम बात करें, हाँ मैं बता दूं कि भारत में जो सिक्के हैं, अगर आप उन सिक्कों में भुगतान करना चाहें तो 1,000 रुपये तक का मूल्य आप सिक्कों में भुगतान कर सकते हैं और उस व्यक्ति को लेना पड़ेगा कानूनन। अगर कोई मना करता है तो आप उसे देने के लिए अधिकृत हैं। हाँ, विवाद से बचना चाहिए, इसलिए व्यक्ति कभी भी अगर कोई नहीं लेता है तो उसे ज़बरदस्ती नहीं दे सकता, बट अगर वो कानूनन चाहे तो इस बात के लिए वो सरकार से इसकी रेमेडी पा सकता है, इसका समाधान पा सकता है, कोर्ट में जा सकता है और उस व्यक्ति पे कार्रवाई कर दी जाएगी जो व्यक्ति 1,000 रुपये तक के मूल्य को सिक्कों के माध्यम से स्वीकार करने से मना करे, क्योंकि ये कानून है। परिवर्तनीयता क्या है? सांकेतिक सिक्कों के बदले कभी भी प्रमाणिक मुद्रा या स्वर्ण या चांदी प्राप्त की जा सकती है। तो ये गुण अपने देश में जो सांकेतिक सिक्के हैं उनमें नहीं है। ठीक, धातु का आयात या निर्यात, मुद्रा जिस धातु की बनी होती है उसके आयात या निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। सोना, अगर सोने का 1 धातुमान है तो सोने पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, चांदी का है तो चांदी पर नहीं लगेगा, उसका आयात निर्यात एकदम मुक्त होगा। स्वर्णमान या रजतमान, यदि देश की प्रधान मुद्रा का आधार स्वर्ण है तो मुद्रामान को स्वर्णमान बोल देते हैं, और यदि प्रधान मुद्रा चांदी है, रजत है, तो उसे रजतमान बोल देते हैं। अब इसके गुण क्या क्या हैं, मतलब ये तो पढ़े ही आपने विशेषताएं, विशेषताओं में अच्छाई और बुराई दोनों आती हैं। अभी हम केवल अच्छाई पढ़ लें। एक तो ये सरल मुद्रामान है, धातु के एक ही धातु के सिक्के प्रचलन में होते हैं तो जनता को आसानी से समझ में आता है, जनता का विश्वास इसलिए रहता है क्योंकि सोने और चांदी में सोने पर जनता ज़्यादा आकर्षित होती है। मुद्रा प्रसार का भय इसलिए नहीं क्योंकि किसी भी देश में सोने की मात्रा लिमिटेड होती है, तो सरकार जितने चाहे उतने तो सिक्के छाप नहीं सकती है, तो इसीलिए मुद्रा प्रसार यानी कि मुद्रा यानी स्वर्ण के सिक्के, सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसी इसमें संभावना नहीं होती है। कीमत स्थिरता, बहुमूल्य धातु के दुर्लभ होने के कारण मुद्रा के मूल्य में अनावश्यक परिवर्तन नहीं होते दिखते हैं। स्वयं चालकता का मतलब यह है कि इसमें सरकार को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस पर आधारित है, क्योंकि सोने और चांदी का आयात और निर्यात जो होता है वह पूर्ण मुक्त होता है, और मुक्त होने की वजह से जब भी किसी भी देश में सोने की कमी होती है तो जो व्यापारी वर्ग हैं वो उस सोने का आयात करना शुरू कर देते हैं। इससे सोने की मात्रा जब देश में ज़्यादा हो जाती है तो लोग उस सोने को सोने के सिक्कों में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उससे जो है देश में मुद्रा की मात्रा ठीक हो जाती है। जब कभी भी देश में मुद्रा सोने के सिक्के ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अपने देश में आपूर्ति बढ़ने के कारण सोने का मूल्य घट जाता है, लेकिन चूंकि दूसरे देशों में तो मूल्य उतना ही रहता है तो जो कुछ व्यापारी सोने के व्यापारी हैं वो निर्यात करना शुरू कर देते हैं सोने को। जैसे ही यहाँ से निर्यात शुरू होगा, वो निर्यात इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे देशों में सोने का मूल्य ज़्यादा होता है, अपने देश में मुद्रा यानी सोने की सिक्कों की मात्रा ज़्यादा होने से इसका मूल्य कम होता है, तो यहाँ से कम मूल्य पर खरीद के वही सिक्के सोने के विदेशों में बेचने से लोगों को लाभ होता है, तो लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ऐसा करना शुरू करेंगे माफ़ कीजिएगा, तो वो जो सोने के सिक्के होंगे वो अपने देश से दूसरे देश में चले जाएंगे, इससे सोने की मात्रा देश में कम होगी, मात्रा कम होगी, आपूर्ति कम होगी मांग की अपेक्षा, तो मूल्य बढ़ने लगेंगे। तो इस तरह से कीमत का संतुलन जो है वो स्वयं संचालकता के माध्यम से अपने आप सरकार के बगैर किसी हस्तक्षेप के विधिवत कंट्रोल होता रहता है। इस पे ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता। इस मुद्रामान में ग्रेशम का नियम इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि सिक्कों की जो उपलब्धता है वो पर्याप्त होनी चाहिए। सोने के सिक्के हमेशा आवश्यकता से कम ही रहे हैं, तो पुराने सिक्कों की संख्या अधिक नहीं होती, जिसके कारण ग्रेशम का नियम इस पे लागू नहीं हो पाता है। बेसिकली ग्रेशम का नियम द्विधातुमान पे अधिक लागू होता है। खैर, विनिमय दर के निर्धारण में सुविधा, एक धातुमान वाले देशों के लिए टकसाली समता के आधार पर परस्पर विदेशी विनिमय दर निर्धारित करना आसान होता है।
ये टकसाली समता क्या होती है? जैसे एक कोई देश है भारत, और भारत में जो भारतीय मुद्रा रुपया है उसका मूल्य सोने में कितना है, वो सोने के रुपये हैं मान लिया, और ऐसे ही कोई एक दूसरा देश मान लेते हैं इंग्लैंड है, तो वहाँ पर टकसाली रेट क्या है, तो उसी के आधार पे विनिमय दर जो होती है, जैसे इसे भी सोने में मापते हैं और इसे भी सोने में मापते हैं, तो एक रुपया बराबर कितने ग्राम सोना, ऐसे ही इंग्लैंड का स्टर्लिंग, एक स्टर्लिंग बराबर कितने ग्राम सोना। तो जब सोने का अलग अलग मूल्य मान लेते हैं समझने के लिए कि भारत में एक रुपया जो है, वो समझने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ कि एक ग्राम है मान लेते हैं सिर्फ समझने के लिए, ठीक। और जो स्टर्लिंग है वो मान लेते हैं एक स्टर्लिंग बराबर दो ग्राम है। तो जब ये भारतीय रुपया अगर एक ग्राम है सोने के बराबर, और जो आपका स्टर्लिंग है वो दो ग्राम के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? भारत और इंग्लैंड की जो मुद्रा है उनका मूल्यांकन अगर करें तो भारत का जो एक रुपया है इंग्लैंड के आधे रुपये के बराबर है, या यूँ कहें कि इंग्लैंड का एक रुपया भारत के दो रुपये के बराबर है, क्योंकि यहाँ एक रुपये की कीमत एक ग्राम है और यहाँ एक स्टर्लिंग की कीमत दो ग्राम है। तो सोने में आसानी से विनिमय दर को निर्धारित किया जा सकता है। शायद आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन भी मिलता है, स्वर्ण और चांदी के सिक्के ऐसे हैं जिन्हें पूरी दुनिया स्वीकार करती है, इसलिए विदेशी व्यापार को इसमें प्रोत्साहन काफ़ी हद तक मिलता है। एक धातुमान का दोष क्या है? लोच का अभाव है। देश में मौद्रिक आवश्यकताएं अगर बढ़ जाएं तो भी आप देश में सोने और चांदी की मात्रा तो नहीं बढ़ा सकते, वो तो जितनी उसकी उपलब्धता है उतनी ही रहेगी। तो बढ़ी हुई आवश्यकता के अनुरूप सिक्के बहुत ज़्यादा छापे या बनाए ढाले नहीं जा सकते। इसीलिए क्या हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब युद्ध काल से हम गुजरते हैं तो महंगाई बहुत बढ़ जाती है। महंगाई से निपटने के लिए ढेर सारी मुद्रा की आवश्यकता होती है। सरकार मुद्रा छाप तो ले, लेकिन उतने सोने की मात्रा होनी चाहिए। उस समय हर देश के पास उतना सोना नहीं था जितने की मुद्रा की आवश्यकता थी, तो अधिकांश देशों को स्वर्णमान का त्याग करना पड़ गया। तो ये इसका दोष है कि इसमें लोच का अभाव होता है। आवश्यकता के अनुरूप हम सिक्के छाप नहीं सकते। सीमित क्षेत्र, बहुमूल्य धातुओं की कमी के कारण विश्व के सभी राष्ट्र इसे एक साथ अपना ही नहीं सकते। कुछ राष्ट्रों के पास तो सोना पर्याप्त है, लेकिन कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी सोना उतना नहीं है जिसमें वो उसे सोने के सिक्के ढालने में उपयोग में ला सकें। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक धातुमान को अपनाना संभव नहीं है। ये मान बहुत महंगा है क्योंकि सोना एक महंगी धातु है। सोना में जब घिसावट होती है तो अनावश्यक रूप से नुकसान होता है, इसीलिए कम महंगी धातुओं का उपयोग करना ज़्यादा बेहतर माना जा सकता है। एक दृष्टि से धातुओं का राष्ट्रहित में प्रयोग नहीं, जब आप सोने का या चांदी जैसी महंगी धातुएं, कीमती धातुओं का प्रयोग केवल मुद्रा में छापने में या मुद्रा के सिक्के, मुद्रा के रूप में सिक्के के रूप में ढालने में इस्तेमाल करते हैं, तो सोने या चांदी जैसी धातुओं का अन्य कुछ बेहतरीन उपयोग भी किए जा सकते हैं। जैसे आप उसके आधार पर कहीं से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, उसे कहीं और आप अच्छी जगह पे लगा सकते हैं। बहुत सारे विनियोग होते हैं सोने और चांदी का, क्योंकि पूरी दुनिया में सोना एक्सेप्ट किया जाता है, तो आप विभिन्न परियोजनाओं में उसको गारंटी के तौर पे इस्तेमाल करके वहाँ से पैसा प्राप्त कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह से। तो धातुओं का राष्ट्रहित में प्रयोग नहीं हो पाता जब आप उस सोने के सिक्के छाप देते हैं। कीमतों में अस्थिरता, इस प्रणाली में संबंधित धातु की मात्रा में कमी या वृद्धि होने पर धातु या मुद्रा के मूल्य में भी कमी या वृद्धि होती है, तो ये ऑटोमेटिक रूप से स्वयं संचालकता की वजह से ही इसको नियंत्रित कर लेता है। लेकिन फिर भी शॉर्ट रन में, यानी कि शॉर्ट टर्म में आपको वस्तुएं जो मुद्रा की कीमतें हैं उसमें अस्थिरता नज़र आती है, और वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता की वजह से मुद्रा के कीमतों में अस्थिरता की वजह से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी स्थिर नहीं रह पाती। तो ये आपने इसके दोष पढ़ लिए। अब बात आती है एक धातुमान के भेद क्या हैं, तो इनके भेद वही हैं स्वर्णमान और रजतमान। इन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे अध्याय 12 में। अभी बात आती है द्विधातुमान क्या है, इसे भी हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही।